हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रोग्राम में आपको डिवाइड करने की जरूरत बार बार पड़ रही है, अगर पाइथन के किसी प्रोग्राम में डिवाइड करने की जरूरत बार बार पड़ रही है तो इस कंडीशन में आपको यूज करना होगा फंक्शन। कैसे यूज करेंगे ये मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, लेकिन चलिए डिवाइड के लिए स्पेशली देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको डेफ का यूज करना होगा, तो यहाँ लिखिए डेफ, ठीक है, और एक बना लीजिए आप। जैसे मैंने बना लिया कैल, कैल कैलकुलेट करना, कैल मैंने बना लिया, और यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है, ये दोनों ले लिया हमने, और यहाँ पे लगा देना है आपको कोलन, कोलन लगा करके नीचे आइए। अब यहाँ पे प्रिंट करवाइए, प्रिंट क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर प्रिंटफ नहीं लिखना, केवल प्रिंट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए द डिवीजन, बस आपको यही लिखना है, कोट्स में, ठीक है। तो सिंगल या डबल एडेड कोट्स में लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा दे देना है सिंपली, और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देने के बाद आपको यहां पर कर देना है ए अपॉन बी, बस काम हो जाएगा आपका, और ये डिवाइड करके भी हमें दे देगा। कैसे देगा ये देखते हैं, पहले इसको क्लोज करता हूं मैं, और क्लोज करने के बाद एंटर करता हूं, नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद यहां पर जो हमने लगाया था कैल, तो यहां पर लिखा कैल, और कैल के लिखने पर अच्छा ये इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, तो यहां पर लिखना है आपको कैल, कैल, और यहां पर लिख दीजिए आप जिसको भी डिवाइड कराना चाहते हो, ठीक है। जैसे 40 को डिवाइड कराना चाहते हैं 5 से, तो यहां पे ये लिख दीजिए, लिख दिया, काम हो गया है आपका, बस यहां से इसको रन पे क्लिक कीजिए। अभी हमने सेव नहीं किया, तो पहले इसको सेव भी करना होगा .py फाइल एक्सटेंशन के साथ। तो यहां पर मैं इसको सेव कर रहा हूं div.py, तो यहां पे लिखा div.py, तो ये हमने कर दिया। अब एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहां पे इसका डिवीजन 8 आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं, यहां पे देखिए 8 आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको फिर डिवाइड कराने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर लिख दीजिए कैल्क, और किसको किसको डिवाइड कराना है वो बता दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 45 को डिवाइड कराना है 2 से, तो बस यहां 45 2 लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, यहां पे रन करवा दीजिए इसको। तो ये रन करवाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि रिजल्ट दोनों का आ रहा है, 45 और 2 को डिवाइड कराना था, तो यहां पे इसका रिजल्ट 22.5 आ रहा है। चलिए कुछ और एक बार और इसको रन करवाते हैं और कुछ और डिवाइड करा करके देखते हैं। तो यहां पे कैल का आपको लिखना ही होगा, और यहां पे मान लीजिए 78 लिखा कॉमा, और इसको 3 से डिवाइड कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहां पे गए और यहां से रन करवाया इसको, तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका भी डिवीजन हो करके आपके सामने आ जाएगा 26, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको डेसिमल नंबर को डिवाइड कराना है तो यहां पे लिखिए कैल, और कैल के लिखने के बाद यहां पे दीजिए 20.2, क्या ये सपोर्ट करेगा डेसिमल नंबर, आइए देखते हैं, और इसको 2 से डिवाइड कराता हूं, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर है लेकिन इसे होल नंबर से डिवाइड करा रहा हूं, तो बस यहां से रन पे क्लिक कीजिए, और यहां पे जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इसको भी डिवाइड करके हमें दे देगा। तो यहां पे देखिए 10.1 रिजल्ट आ रहा है, तो ये बहुत इजी है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसी तरह से ऐड करना है बार बार किसी प्रोग्राम में, तो इसी तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।